पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त से जमानत मंजूर, अदालत का रऊफ हसन को फौरी रिहा करने का हुक्म। रऊफ हसन और दीगर के खिलाफ पेका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा है, इसी पर बात करेंगे। हाशिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं, हाशिर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन और इनके साथ नौ दीगर जो मुलजमान थे उनकी दरख्वास्त जमानत के हवाले से आज समाअत की, और इस हवाले से जो समाअत है वो ड्यूटी जज आवाज शाह की जानिब से की गई, और इस मौके पर दलाइल देते हुए रऊफ हसन और दीगर के वकील जो अली बुखारी थे उनकी जानिब से अदालत के अंदर ये कहा गया कि इस मुकदमे के अंदर पीका के जो सेक्शन लगाए गए हैं वो इन पर बनते ही नहीं, और अदालत इनको जो है एफ आई ए की जानिब से बेबुनियाद गिरफ्तार किया गया, और एफ आई ए की जानिब से ये रूल्स हैं कि अगर किसी भी जिसको मुकदमा में गिरफ्तार करना होता है या उसके खिलाफ इंक्वायरी करनी होती है तो इससे कबल उसको तीन नोटिस भिजवाए जाते हैं, और उसके बाद जाकर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर रऊफ हसन और दीगर को पहले गिरफ्तार किया गया, जबकि एफ आई आर जो है वो बाद में दर्ज की गई, और बेबुनियाद मुकदमा है इसको, इसमें से जो मुलजमान है उनकी जमानत मंजूर की जाए, और अब अदालत की जानिब से दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला जो है सुना दिया गया, और अदालत ने 50 साल के मुतलबों की वजह रऊफ हसन की जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो मंजूर कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशिर आपका।